ठीक है, इस फार्मूले पे बहुत क्वेश्चन आए। फार्मूला है कॉट थ्री ए का, यानी कॉट थ्री थीटा एंगल थ्राइस कॉट क्यूब ए माइनस थ्री कॉट ए डिवाइड बाई थ्री कॉट स्क्वायर ए माइनस, ऐसा फार्मूला भी आ चुका है। और इसमें क्वेश्चन किस तरह आया था, कॉट क्यूब फाइव माइनस थ्री कॉट फाइव अपॉन थ्री कॉट स्क्वायर फाइव माइनस। ध्यान से देखें कि एक ही जगह फाइव मौजूद है, कॉट क्यूब फाइव माइनस थ्री कॉट फाइव, थ्री कॉट स्क्वायर फाइव माइनस वन, बस सिर्फ पूरा फार्मूला यूज हो रहा है, एक ही जगह फाइव है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉट थ्री, थ्री फाइव सा फिफ्टीन, यानी कॉट पंद्रह। अब कॉट पंद्रह की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है टू प्लस रूट थ्री। याद रहे कॉट पंद्रह और टेन का सेवेंटी फाइव आपस में इक्वल होता है, आंसर हो जाएगा टू प्लस रूट। इसी तरह इस फार्मूले पे एक और सवाल आया था, कॉट क्यूब पच्चीस माइनस थ्री कॉट पच्चीस, थ्री कॉट स्क्वायर पच्चीस माइनस वन। ध्यान से देखें, मेरे को ये फार्मूला लग रहा है, बस एक ही जगह पच्चीस आ गया। तो पच्चीस थ्री सा सेवेंटी फाइव, और कॉट सेवेंटी फाइव होता है टू माइनस रूट थ्री, ये अलहदा बात है, ये और किसके बराबर होता है, टेन पंद्रह के बराबर।